ये एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट है ईडी, पैसे वसूल रहे हो, घोटाले की जांच में घोटाला, घोटाले की जांच में घोटाला, कह रहे साहब हम घोटाले की जांच कर रहे हैं उसके नाम पे रिश्वत खा रहे हैं। अच्छा ये ईडी के अधिकारी करें क्या, वो देख रहे हैं मोदी जी हमसे विधायक पकड़वाते हैं महाराष्ट्र में, उनको धमकवाते हैं, उनके ऊपर केस करवाते हैं, फिर उनको दे देते हैं 50 खोका, विधायकों को तो मिलता है 50 खोका, वो चले जाते हैं सरकार के साथ शामिल हो जाते हैं, ईडी के अधिकारी बेचारे एक भी खोखा नहीं पाते। तो भारतीय खोखा पार्टी ने खोखा अधिकारी तैयार किया, बोले खोखा खोखा तुम भी करो, जैसे वहां पे खोखा हम कर रहे हैं यहां पे खोखा तुम करो। तो 5 खोखा का मामला है ये, 5 खोखा किसने लिया है, ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर ने, दिल्ली के तथा कथित शराब घोटाले के मामले में जो एक काल्पनिक मनगढ़ंत घोटाला है उसमें एक आरोपी को बचाने के नाम पर 5 करोड़ रुपए की 5 खोखा की रिश्वत ली। और मेरा सीधा आरोप है कि ये एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट जो पैसे की वसूली करता है इसका हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी पहुंचता है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और ये क्या 5 करोड़ रुपए अकेले ये असिस्टेंट डायरेक्टर खा रहा था, ये पैसा किसको किसको गया, ईडी के किन किन अधिकारियों का इसमें हिस्सा है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और वो सारे के सारे अधिकारी जेल के अंदर होने चाहिए। मैं तो कह रहा हूं ईडी डिपार्टमेंट जो एक गुंडागर्दी का विंग बनाया है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने, इस पर तुरंत और तत्काल रोक लगनी चाहिए, यह डिपार्टमेंट बंद होना चाहिए, यह खतरनाक डिपार्टमेंट देश के अंदर पैदा हो गया है।